वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। हम जरा मसरूफ हो गए थे गपशप में, आप जानते हैं दो खवातीन मिल जाए तो फिर क्या होता है। आपसे आज मुलाकात करा रहे हैं सुमैर आबरो की और उरूज मजर की, जो कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, लोगों के दिमाग खोलते हैं, और आज यहाँ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं लर्न फेस्ट की, एक सीखने के मेले की। उरूज ने आपको डिटेल्स दे दी हैं कि 15 नवंबर को कराची शेरिटन में हो रहा है, 15 दिसंबर को इस्लामाबाद में हो रहा है। नंबर्स भी बता दिए हैं 5373946, जहां फोन करके आप मालूम कर सकते हैं इसके बारे में। और सुमैर, आप वहां पे एक ट्रेनर के तौर पे मौजूद होंगे, आप भी वहां एक लेक्चर सेशन दे रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि लोगों के दिमाग खोलें। मुझे बताएं कि जितनी खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, चलें अब हम सुमैर का टेस्ट लेते हैं, कन्विंस करें आप उनको ये सुमैर का कैमरा है कि क्यों उन्हें इस लर्न फेस्ट पे खुद आना चाहिए, अपने बेटों बेटियों को भेजना चाहिए या अपने शौहर हजरात को भेजना चाहिए। मुश्किल सा सवाल है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खवातीन को ले, फॉर एग्जांपल, खवातीन जो है इतने लॉन के एग्जीबिशन पे जाती हैं, इतने सारे पैसे खर्च करके लॉन खरीद लेती हैं, और दो हफ्ते बाद वो फिर पहनती भी नहीं है। तो क्यों ना ऐसी कोई चीज़ की जाए, फॉर एग्जांपल इस लर्न फेस्ट पे आके सेशन अटेंड करें, कोई ऐसी दिमाग की बत्ती जले जिससे नेक्स्ट टाइम शायद वो अपना एक लॉन का ब्रांड लॉन्च करें और पैसे बनाएं। तो ये सारी जो दिमाग खोलने वाली बातें हैं, इट्स नॉट जस्ट की किताबी बातें हैं, इट एक्चुअली हेल्प्स पीपल। उनको आइडियाज़ मिलते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, और सबसे बड़ी चीज़ उनको ना एक एनर्जी आती है, उनको मोटिवेशन आती है कि यार मैंने भी कुछ करना है। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो जो आप कह रही थी कि जो शौहर हज़रात होते हैं, अब उनके लिए क्यों ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हमें कॉल्स भी आती हैं लोगों की जी के CV किस तरह बनाना है, करियर में आगे किस तरह बढ़ा जाए। इस लर्न फेस्ट में बहुत सारे सेशन्स होंगे जिसमें करियर की भी बात होगी कि अगर आप अपने करियर, जैसे ना वो कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर हो गया, खड़ा पानी, जिसे डेंगू के भी खतरे हैं इस मुल्क को, अगर आप अपने करियर को समझते हैं कि रुक गया है तो इस सेशन में आए। बहुत सारे पैरेलल सेशंस चल रहे होंगे, किसी कमरे में मोटिवेशन पे बात हो रही होगी, किसी कमरे में लीडरशिप पे बात हो रही होगी, किसी कमरे में एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही होगी। तो आके देखें, लोगों की बात सुने, और आप इसमें हार नहीं सकते। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर सेशन बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे कि यार क्या आइडियाज हमें मिल गए, ठीक है। और अगर सेशन आपको अच्छा ना लगे तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि यार जो मेरे जहन में बात थी वो शायद इससे बेहतर थी। प्लस द अदर थिंग इज कि जो इतने सारे वहाँ लोग आए होंगे, बहुत सारी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स आए होंगे, टीचर्स आए होंगे, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो कि अभी करियर में जा रहे हैं वो आ रहे होंगे, उनकी थॉट सुनने का मौका मिलेगा। सो इट विल बी यू नो अ रियल मेला इन एवरी सेंस। 1500 पीपल टुगेदर, 1500 लोग होंगे जी इस मेले में। अब ये उनके अलावा है जो लोग वहाँ आके सेशन दे रहे होंगे और सिखा रहे होंगे। आई थिंक सो मैंने जो ये खास तौर पे बात की ना कि अगर आप स्टूडेंट हैं और उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब आप CVs बना रहे हैं, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, वहाँ सेशंस इस बात पर भी हो रहे होंगे कि इंटरव्यू किस तरह दिया जाए, और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो वहाँ पर मौजूद होंगे मुख्तलिफ कंपनीज के लोग, जिनसे आप कहते हैं ना कि अगर आपका कोई दोस्त होता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि अच्छा मुझे अगर यहाँ किसी अपने इदारे में किसी को नौकरी देनी है तो मैं अपने दोस्त से ही पहले पूछ लूं अगर उसे चाहिए कि नहीं। तो ये मौका है वो दोस्तियां करने का। आई थिंक हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। किस तरह हम जानते हैं उनको। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी बात से कि बहुत सारे इदारे जो मल्टीनेशनल्स होते हैं वो लोग अपने एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो ट्रेनिंग पे मुल्क में भी ट्रेनिंग करें, मुल्क से बाहर भी जाएं। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो चाहते हैं तो हैं कि हम अपने लोगों को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, लेकिन उनके पास बजट्स नहीं होते। तो जो आपने शुरू में जिक्र किया था कि ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है, सस्ता तरीका है जी, बहुत जी। तो 5000 रुपए खर्च करके आप पूरे दिन में मुख्तलिफ सेशंस देख लें, या फिर आपको कोई खास स्पेसिफिक ट्रेनर पसंद है तो 1000 रुपए खर्च करके उसका सेशन अटेंड करें। सो भाई, कौन कौन ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, एक आखिरी बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक? इसमें आप भी हैं ट्रेनर। चले शुक्र आपने मेंशन कर दिया। आप हैं, मेरा भी एक सेशन होगा, कामरान रिजवी होंगे, शिरीन नकवी होंगे, मुनीब किदवाई हैं, और बहुत सारे नाम हैं, वहाँ मौजूद होंगी। एक सेशन में मेरा भी रोल होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं है, आपने अगर सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। दिलनाथ सेशन के बीच में भी आपको लगे ना क्या बकवास चल रही है, उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं, ये इसकी बेस्ट चीज है। थैंक यू सो मच आने का, और इंशाल्लाह ताला हम वो हमारा कंपटीशन, बिल्कुल हम इसको प्रमोट भी करते रहेंगे। हमने आपको ये जुम्मे को अनाउंस किया था कि अब से लेकर हर हफ्ते के इख्तिताम पे, यानी पीर से जुम्मे तक, जो हमारे फेसबुक पे छोड़ेगा सबसे मजेदार बात, सबसे इंस्पिरेशनल बात, सबसे ज्यादा कोई भी अच्छी बात, उनको हम देंगे तोहफा। इस हफ्ते का तोहफा ये है,
कि जिन दो नहीं एक को दें दो को, जिन दो अशखास ने, देखा उर्दू बेहतर हो गई, जिन दो लोगों ने छोड़ी लिखी फेसबुक के ऊपर सबसे खूबसूरत बात बाखबर सवेरा के पेज पे, आप दोनों को मिल रहे हैं लर्न फेस्ट का फ्री टिकट, फ्री पास भाई, 5,000 का, 10,000 दे रहे हैं जुम्मे के रोज हम। तो आपने फेसबुक के ऊपर ये कॉमेंट जरूर लिखने हैं, अगर आपके बच्चे हैं उनको कहें लिखें, मियाँ हजरात हैं तो उनको कहें कि फेसबुक पे वो जो और हरकत होती है ना वो छोड़ के ये वाला काम करें। बहुत शुक्रिया आने का, ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू गाइस। ये थे जी सुमैर आबरू एंड उरूज मजर, लर्न फेस्ट हो रहा है 15 नवंबर को, मेरी आपसे इंशाल्लाह वहां मुलाकात होगी। इस वक्त लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे यहाँ पे मोहम्मद अहमद के साथ और एक और हसीना के साथ, सना अस्करी के साथ, देखते रहिए बाखबर सवेरा।